अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और अल्लाह हम सब की इबादत को कबूल करे। टुडे आई एम मेकिंग अ पिज़्ज़ा फॉर द फर्स्ट टाइम एट होम, सो लेट्स सी हाउ प्रिपेयर इट होम टुडे। सो सबसे पहले हम लेंगे 4 कप मैदा एंड देन वी विल टेक सम वॉर्म वाटर। और इस नीम गर्म पानी में आप सबसे पहले ईस्ट का एक पैकेट डालेंगे और 1 टेबलस्पून आप शुगर लेंगे और 1/2 टेबलस्पून आप सॉल्ट लेंगे। और फिर आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे और फिर आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके इस पानी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 10 से 15 मिनट्स। और जब आप ये रेडी होगा तो इसकी एक ये है कि इसके ऊपर झाग आ जाएगी तो आप समझेंगे कि ये ईस्ट एक्टिव है और फिर देन आई यूज़ इट। और यहाँ पर मैंने एक और ग्लास में हल्का नीम गर्म पानी लिया है और आप मैं इस सब मिक्सचर को और 4 कप जो मैंने मैदा लिया है इसको मैं स्टैंड मिक्सर में मिक्स कर दूंगी। और इसमें मैदे में आपने 1 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल भी डालना है और बाकी सब चीज़ें जो मैंने पानी में मिक्स की थी वो भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। और साथ साथ आप इसको चेक करते जाएंगे और कि इसमें पानी की कितनी ज़रूरत है, तो आप साथ साथ इसमें पानी भी यूज़ करते जाएंगे और इसको आप अच्छी तरह से मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं साथ साथ ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था मैं साथ ऐड कर रही हूँ और साथ आप नीम गर्म पानी भी साथ साथ डालते जाएँ। और जब तक हमारी पिज़्ज़ा डो तैयार होती है हम अपनी पिज़्ज़ा पर लगाने के लिए कुछ और चीज़ें रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल डाइस हो चुकी हैं और वेजिटेबल्स में मैंने ली है कि शिमला मिर्च है 2 कलर्स की, स्वीट कॉर्न है, टमाटोज़ हैं, ऑनियंस हैं और ग्रीन चिलीज़ हैं और ऑलिव्स हैं। और बाकी जो आपको चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ली है पास्ता सॉस भी लिया है। और अगर आप घर में पास्ता सॉस बनाना चाहती हैं तो आप 2-3 टेबलस्पून ऑयल लेकर उस पर टमाटोज की प्यूरी डालकर और शिमला मिर्च और ऑनियंस डाल के कुक करके आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हल्की से अंदर आप 1 टेबलस्पून आप शुगर भी ऐड कर दें और हल्की सी नमक मिर्च ऐड कर दें तो वो भी आपकी घर में पास्ता सॉस तैयार हो जाती है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं ड्राई रोस्टेड टमाटोज लिए हैं मैंने और ऑलिव्स भी हैं इसमें। और यहाँ पे मैंने टमाटो प्यूरी की एक ये ट्यूब में भी है, अगर एक्स्ट्रा मुझे ज़रूरत हुई तो मैं ये भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने चीज़ ली है, 4 चीज़ है मेरे पास और मोज़रेला चीज़ है और कुछ चीज़ मेरे पास पहले से फ्रिज में पड़ी थी और मैंने उसको भी अच्छी तरह से क्रश कर लिया और अपने पास रख लिया, अगर मुझे एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी यूज़ करूँगी। और यहाँ पे डाइस वेजिटेबल्स तैयार हैं और अब हम अपनी डो चेक करते हैं कि हमारी डो रेडी हुई है या नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ और कि डो तैयार हुई है कि नहीं। और ये देखें यहाँ पर हमारी डो बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा जिस तरह की हमें ज़रूरत थी उस तरह से ये डो तैयार हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इस डो को इस बाउल से निकाल कर थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गूंदेंगे और फिर हम इसको बेल लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से भी स्ट्रेच करके भी आप इसको बेस बना सकते हैं और चाहें तो बेलने के साथ जैसे हम चपाती या रोटी के लिए बनाते हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो ग्रिल है उसकी ट्रे में ही मैंने इसकी बेस बनाई है जिस तरह से उसकी शेप थी। तो यहाँ पर मैं इस पर सब वेजिटेबल्स लगाऊँगी। सबसे पहले हम लगाएँगे पास्ता सॉस, इसको आप अच्छी तरह से पूरे बेस पर लगा लें और फिर आप इस पर चीज़ डालेंगे क्योंकि जब आप सबसे पहले चीज़ यूज़ करते हैं तो फिर क्योंकि जब आप सबसे पहले चीज़ यूज़ करेंगे और फिर ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो आपकी सब्जियां अपनी जगह पर ही स्टे रहेंगी, यानी कि वो सेपरेट नहीं होंगी या गिरेंगी नहीं। तो इस तरह से पिज़्ज़ा अच्छा तैयार होता है और बच्चे इजीली खा लेते हैं। और कई दफ़ा हम देखते हैं कि हम पिज़्ज़ा लाते हैं तो सब्जियां ऊपर से सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, तो इस तरह से फिर आप चीज़ यूज़ करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने सब यहाँ पे चीज़ और इसमें ऐड कर रही हूँ और जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स हैं वो सब मैं इन पर लगा रही हूँ, ऑलिव्स भी लगा रही हूँ और स्वीट कॉर्न भी मेरे फेवरेट हैं तो मैं इसमें वो भी ऐड करूँगी। और सबसे पहले हम अपने लिए पिज़्ज़ा रेडी कर रहे हैं और इसमें मैं क्रश चिलीज़ और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करूँगी। आज बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि घर में पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है
और पिज़्ज़ा तो सभी को बहुत पसंद होता है एंड एवरीवन लव्स टू ईट इट। और अदरवाइज़ तो हम लोग टेक वे ऑर्डर करते हैं या घर में बेस लाकर उस पे वेजिटेबल्स लगा कर बनाते हैं। तो आज बच्चे देख रहे हैं कि घर में पिज़्ज़ा बेस भी बन रही है, डो भी घर में तैयार हुई है। और यहाँ पर मैं इसमें टमाटोज, ड्राई टमाटो, रोस्टेड टमाटोज भी ऐड कर रही हूँ। इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। और इसमें चीज़ भी ऐड है और ये चीज़ भी मैं इस पर ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ास में। और बच्चों को चीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन बच्चों को सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती। बट दे ईट देम वन दे आर यूज्ड ऑन पिज़्ज़ास। तो इस तरह से बच्चे सब्ज़ियाँ भी खा लेती हैं जी। तो मैं अपनी सब वेजिटेबल्स और जो जो चीज़ें मैंने ऐड करनी थी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। और मैं यहाँ पे स्पाइसी अपने लिए बना रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, और क्रश चिलीज़ के साथ और ग्रीन चिलीज़ के साथ। और मैंने इसको ओवन में प्री हीट कर लिया है और अब मैं इसको ओवन में रखूँगी और इसको मैं टाइम दूँगी 10 से 15 मिनट्स। और अफ्तारी का भी टाइम बहुत कम रह गया और हम जल्दी जल्दी कोशिश करें कि हमारे पिज़्ज़ास बन जाएं टाइम पर। और मेरी दूसरी सिस्टर भी आज आई थी, वो भी मेरे साथ हेल्प कर रही हैं और हम लोग फ्रूट चाट और दूसरी चीज़ों की तैयारी भी साथ साथ कर रही हैं। और यहाँ पे मैं अब देखती हूँ हमारा पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी, और बहुत ही मज़े का यमी यमी पिज़्ज़ा रेडी है। और अब मैं बच्चों के लिए चिकन पिज़्ज़ा बना रही हूँ, किड्स लव चिकन। और यहाँ पे मैंने फ्रोज़न चिकन लिया है और ये बिल्कुल KFC के टेस्ट जैसा है चिकन। और मैंने इसको फ्राई करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और ये भी मैं पिज़्ज़ास में यूज़ करूँगी। और बच्चों को चिलीज़ और स्पाइसेस पिज़्ज़ा नहीं लाइक करते, तो यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल वेजिटेबल्स और चिकन लगाया है। और बहुत छोटे बच्चों को जस्ट चीज़ी पिज़्ज़ा पसंद होता है, टमाटो और चीज़ पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का होता है। अगर आपका भी दिल चाहता है तो आप उसको थोड़ा सा स्पाइसी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रिल पहले से ही प्री हीट है और अब इसको भी मैं ओवन में रखूँगी और बेक करूँगी। और इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रेडी करती हूँ, आप इसमें कुछ भी बेक कर सकते हैं। और फ्राई चीज़ें खाने की निस्बत आप ग्रिल करके खाएं तो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है। और यहाँ पे मेरा सेकंड चिकन वाला पिज़्ज़ा भी रेडी है और बहुत ही यमी का, मज़े का लग रहा है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये पिज़्ज़ास कैसे लगे, रेसिपीज़ कैसे लगी, और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। और अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। आई विल सी यू अगेन इन न्यू वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।